अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं कोविड की सेकेंड वैक्सीन की डोज लेने के लिए दिल्ला हॉस्पिटल में। तो चलो फिर मिलते हैं नीचे, टैक्सी पकड़ते हुए। ओके, तो दोस्तों इधर धूप आज काफ़ी तेज है और आँखें भी नहीं खुल रही हैं उसकी वजह से। फिर अभी जो है देख रहे हैं टैक्सी भी नहीं मिल रही है, तो क्या कर रहे हैं हम। धूप से तो अल्लाह आलम है, धूप भी बहुत तेज है। चलो फिर देखते हैं कितनी देर में टैक्सी मिलती है और फिर मिलते हैं। हमारे जुनेद भाई जो है वो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि भाई कितने पैसे लेने हैं कितने नहीं लेने हैं। तो चलो फिर अभी देखते हैं कितनी देर में मिलती है। तो जुनेद भाई जो है वो आज काफ़ी मेहनत कर रहे हैं टैक्सी पकड़ने के लिए। अभी देखते हैं किस तरीके से जो है कितनी देर में मिल जाएगी। एक टैक्सी और मिली है, अभी देखते हैं ये भाई जो है मानता है नहीं मानता है। तो चलो फिर थोड़ी देर के बाद जो है मिलते हैं रास्ते में। A few moments later. तो अभी टैक्सी मिल चुकी है और अब हम थोड़ी देर में जो है पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे जुनेद भाई किधर है आज? आज जुनेद भाई जो है वीडियो में नहीं आ रहे, आ गए ये भाई जो है मिले हमें टैक्सी वाले। और इंशाल्लाह ये जो है खैर खैरियत से पहुंचाएंगे वहाँ पर। तो चलो फिर देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये देखें रास्ते में है, यहाँ पर से हम निकले हैं तरीक दिराब से और इंशाल्लाह जो है वो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पर। देखते हैं फिर वहाँ क्या क्या फैसिलिटी है और कितनी देर में हमारी वैक्सीन लगती है। रश बहुत है आज तो जो है वो दोपहर का टाइम है, तो इसकी वजह से जो है वो रश भी कम है, नहीं तो यहाँ पर बहुत जामा रहता है। तो ये देखें ये जो है आप जो है क्या नाम है इसका कुबरी का, इमामुल मुस्लिमीन, ये सारा इमामुल मुस्लिमीन पर है हम अभी लोग। ये देखें ये बहुत बेहतरीन जो है बस स्टैंड बन रहे हैं फुल्ली और एसी, और इंशाल्लाह देखो दुआ करो कब तक ये जो है चालू हो जाएंगे और फिर एक बार इसमें भी ट्रेवल करेंगे इंशाल्लाह। ये भाई जो है कहाँ जा रहे हैं हमारी गाड़ी के आगे, चलो अल्लाह से दुआ करो कहीं। तो जुनेद भाई आज जो है वो आपकी वैक्सीन का कितना टाइम है जी? कितने बजे की अपॉइंटमेंट है आपकी वैक्सीन की? अपॉइंटमेंट 7 बजे। ये भाई 7 बजे की अपॉइंटमेंट है इनकी और ये मेरे साथ जा रहे हैं, अभी देखते हैं इनको जो है इंशाल्लाह। देखो अभी मेरा जो है टाइम है वो 3 बजे का है और अभी देखते हैं वहाँ पर क्या कंडीशन है, और अगर इंशाल्लाह काम हो जाता है तो फिर दोनों भाइयों की जो है वो एक ही साथ मिल जाएगी वैक्सीन इंशाल्लाह। ये सामने ही है दिल्ला हॉस्पिटल, अगर अभी देखते हैं यू टर्न करके जो है वो जाना पड़ेगा। तो ये देखें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये दिल्ला हॉस्पिटल है। अभी फिर मिलते हैं, देखें अभी फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में जो है यू टर्न करने के बाद जब हम एंटर होंगे, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या प्रोसेस है वैक्सीन की सेकेंड डोज का। तो देखें अभी इसी सारे से जो है वो हमें यू टर्न करना है और उसके बाद हम लोग जो है वो दिल्ला हॉस्पिटल में पहुँचेंगे। काफ़ी लंबी लाइन है सिग्नल की, देखते हैं कितनी देर में ये खुलती है। तो अभी हमें अपने टैक्सी वाले भाई के साथ में और इनसे पता करते हैं कि कितने साल हो चुके हैं इनको सऊदी अरब के अंदर और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा सऊदी के अंदर। तो भाई आपको कितने साल हो गए यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर? हमारा तो भाई साहब हो गया तकरीबन 12 साल। ये देखें जैसा कि भाई ने बताया है कि 12 साल से वो जो है सऊदी अरब के अंदर है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो है पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। सही है भाई, पाकिस्तान से पठान, ये पाकिस्तान के अपने पठान भाई हैं। तो कितनी बार छुट्टी गई भाई जाना आप यहाँ से? छुट्टी तो किया था 4-5 बार। ये देखें 12 साल में जो है इनको 4-5 बार जाने का ही मौका मिला है अभी अपने देश में। और जो लोग घर वाले सोचते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत मज़े करते हैं या सिया करते हैं, ये देखें आपके सामने जो है ये भाई हैं हमारे, 12 साल से बेचारे यहाँ पर काम कर रहे थे इनका। और उम्मीद ये होगी कि भाई इनको भी जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अलग ही होगी। 12 साल तो इनके लग गए यहाँ पर, लेकिन अभी जो है दिक्कत है या प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। अभी पता नहीं कितने दिन तक जो है और इनको यहाँ पर मेहनत काम करना है। पता करते हैं इनके इनसे ही कि
हमारे बाप भाई बहुत मज़े करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो भाई आप लोगों की खुशी के पीछे जो है वो हर एक चीज़ जो है वो कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो परदेशियों की कदर नहीं होती है। और ये काली सच्चाई है परदेशियों के लिए, जो लोग परदेश में काम करते हैं उनके लिए जो है ये काली सच्चाई है। घर वाले यही सोचते हैं कि भाई ये लोग जो है वो बहुत मज़े करते हैं, इनका हक है हमें हमारे लिए सब कुछ करना, मगर कभी जो है वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई हमारा भी कुछ है हक इनके लिए, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। तो भाई आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि जिन लोगों के घर में जो है वो परदेसी हैं तो भाई उनकी जो है वो कदर करें, और इंशाल्लाह जो है वो भी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं अल्लाह उसको, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो देखें अभी हम पहुंच चुके हैं मुस्तफादल्ला में, अभी हम एंटर ही करेंगे इसमें, तक बाहर ही है रोड पर, तो चलो फिर देखते हैं अभी किस लाइन में जो है वो हमें चलना है। देखें उम्मीद तो ये है कि काफ़ी भीड़ भड़ाका होगा इधर, लेकिन चलो फिर मिलते हैं। देख अभी हम जो है पहुँच चुके हैं पार्किंग में, मेरे भी यहाँ पर लंबी लाइन है, देखते हैं कि ये लाइन क्लियर होती है और फिर हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, जैसे कि मैं एंटर हो रहा हूं और मैं दिखाता हूं आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस, काफ़ी लंबी लाइन लग रही है यहां पर, तो एंटर हो चुके हैं लिफ्ट के अंदर जाने के लिए, और अभी लाइन में है कितनी देर के बाद नंबर आता है, लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं और पहुँचेंगे नंबर आएगा। 15 मिनट्स लेटर। तो दोस्तों फाइनली जो है वो वैक्सीन लग चुकी है, और एक मुझे बड़ा अजीब सी बात लगी, और इसको अच्छा कहूँ या अजीब सा कहूँ कि पता भी नहीं चला कि कब जो है वो नर्स ने जो है वैक्सीन लगा दी है। और ये हम अपने जुनेद भाई से पता करते हैं कि तुम्हारा क्या प्रोसेस रहा। हाँ जुनेद भाई, बढ़िया हॉस्पिटल, अच्छी प्रोसेस है, वैक्सीन लग गया पता ही नहीं चला, अपॉइंटमेंट होगा, सब कंप्लीट होगा, रिपोर्ट भी आ गया। तो अभी देखो हम लोग जो है वो निकलेंगे, और ये हम लोग आए थे इधर अभी दल्ला नवार में, जो तरीक दिराब पर है, बड़ा बेहतरीन हॉस्पिटल है और अच्छी फैसिलिटी है यहाँ की। तो देखें फिर, अभी हम लोग जो है वो वैक्सीन लगवा के बैठ चुके हैं, तो देखें मैं इधर ही हूँ अभी, यहाँ पर जो है कुछ पैम्पलेट वगैरह एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ है। अभी चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, नीचे निकलने के बाद जो है वो आप लोगों को मैं मिलूंगा यहाँ पर, देखें हम लोग के साथ। तो अभी हम लोग जो है वो अपने रूम के लिए निकले हैं, यहाँ से भी लिफ्ट में है दल्ला हॉस्पिटल की, ये गेट से बाहर निकले हैं, देखो यहाँ पर टैक्सी भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। हेलो, तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने ऑफिस में दोबारा, क्योंकि मैं रूम पर गया था और रूम पर जो है सब डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के बाद जो मैं अभी आ चुका हूं अपने ऑफिस में दोबारा, और अभी थोड़ा सा काम करते हैं जो बचा हुआ काम। 2000 years later। तो दोस्तों काम फाइनल हो चुका है और अभी टाइम हुआ है 9:30। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन लग चुकी है और मैं अपने रूम पर भी पहुंच चुका हूं, अभी लगभग 11 बजे का टाइम है, तो ऐसा लग रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद कि कुछ थोड़ा सा बॉडी के अंदर हरारत हो रही है, वार्म सी फील कर रही है। अभी देखो जाता हूं वकाला, फिर वहां से लाते हैं दूध वगैरह लाते हैं, फिर दूध वूध पी के जो है फिर उस। तो दोस्तों वकाला तो गए नहीं, अभी पांडा जाने का डिसाइड हुआ है, अभी देखो जो है पांडा जा रहे हैं रास्ते में पांडा पे, और फिर पांडा से जो है दूध वगैरह जो भी लेना है खाने का सामान, फिर वो सामान लेने के बाद जो है इंशाल्लाह रूम पे पहुँचते हैं। तो चलो फिर अभी मिलते हैं पांडा में, और पांडा में मिलने के बाद जो है दिखाते हैं क्या क्या खरीदते हैं। ओके तो दोस्तों फाइनली जो है हम पांडा में पहुँच चुके हैं, और पांडा में देखो मेरे पीछे सब कपड़े वगैरह हैं, तो अब पांडा में देखते हैं क्या क्या लेना है, अभी मिलते हैं आप लोगों को जो है सामान लेते हैं। तो बकर भाई ने जो है फाइनल कर दिया है, अब क्या लेते हैं क्या उठाते हैं देखते हैं। बकर भाई दिखा दो तो क्या लिया है आपने। ये देखिए मुर्गी के पंजे,
ये देखें हमारे बगर भाई खुश है कितना मुर्गी के पंजे बनाने के लिए। तो अब जो है मुर्गी के पंजे उठा दिए 3 पैकेट। अभी कुछ ब्रेड भी लेना है तो ब्रेड देखते हैं कौन सा डिसाइड होता है। ये देखें ब्रेड जो है हमारे बकर भाई डिसाइड कर रहे हैं। इधर जो है जुनूब भाई, तो बकर भाई ने जो है वो कॉर्न ऑयल डिसाइड कर दिया है भाई। कॉर्न ऑयल लेना है वो ले लिए, 20 रियाल में 2 है, 19.95 में। तो बकर भाई ने जो है जैम जो है वो डिसाइड कर दिया है पुर्तगाल, और ये स्ट्रॉबेरी वगैरह है ये डिसाइड हो चुका है। अभी शॉपिंग हो रही है भाई अपने रूम के लिए, तो चलते हैं फिर। अब हमारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई है और फिर चलते हैं बिलिंग कराने। बकर भाई जो है वो लाइन में लगे हुए हैं बिलिंग के, देखते हैं फिर कितना माहौल होता है, फिर मिलते हैं बिलिंग कराने के बाद। A few moments later. A few moments later. तो दोस्तों फाइनली जो है हमारी शॉपिंग फिनिश हो चुकी है और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो चलो फिर मिलते हैं किसी एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।